अस्सलाम वालेकुम, रविंग कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा जो पाइपिंग का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने चिप्पी पेपर को टू फोल्ड कर लिया। यहाँ हमें चाहिए 4.5 इंच का गला, मतलब 9 इंच टोटल विड्थ चाहिए, और 1/2 इंच जो है वो हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। लेंथ हमें चाहिए 5 इंच, यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का निशान लगाएंगे और इसकी टोटल लेंथ रखेंगे 10 इंच। और यहाँ 1/2 इंच के मार्जिन से हम कटिंग कर लेंगे। इसका हमने यहाँ पर 1/2 इंच नहीं देना, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि हमने यहाँ पर 1/2 इंच नहीं देना। जो हमने ये लाइन लगाई होती है ना, ये बॉक्स में, इसको ही हमने जो है कटिंग के दौरान यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक गला बन जाएगा, ये हमारा कटिंग हो जाएगा। तो चलें कटिंग करते हैं। ये कुछ इस शेप में हमारे पास गला आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम डायरेक्ट जो है अपनी शर्ट पर पेस्ट करेंगे। ये है जी हमारी शर्ट का फ्रंट, और इसका हमने बैक साइड लेना है, और जो पेस्टिंग वाली जगह है इसको यहाँ पर हमें बिल्कुल सेंटर में रख के पेस्ट कर देना है। बिल्कुल के सेंटर में पेस्ट करेंगे, और पेस्टिंग के लिए इस टाइम जो है मेरे पास आयरन नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ड्रम स्टिक के साथ ग्लू कर दूंगी इसको सारे को। इस तरह पहले सेंटर को जोड़ेंगे, फिर हम इस गले को अंदर रखेंगे सेंटर में, और इसके साथ इसको यूं इसको भी अब हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, यूं करके। इसकी जगह आप कोई ग्लू स्टिक भी सॉरी फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं, गम स्टिक भी ले सकते हैं। इसको निकाल देंगे, ये हमारा परफेक्ट गला रेडी हो गया जो हमें चाहिए था। 1/2 इंच कटिंग जो है हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ये लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, ये हमारी सेंटर लाइन है। यहाँ पर अब हम कटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ठीक है, यहाँ पर आप डोरी पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो सीधी साइड होगी उसको हमने इसके अंदर, मतलब ये सीधी साइड और ये भी सीधी साइड, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ रखते ही हमने यहाँ पर इसके, ये जो हमारे पास चेपी बुकरम है ना, इसके एक पॉइंट पे, जो इंची टेप के ऊपर ये एक पॉइंट होता है ना, ये एक पॉइंट जितना आपने स्पेस लेना है और सिलाई लगाते जाना है। चेपी बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। मैं सिलाई लगा कर आपको ये सारे की फिर आपको दिखाती हूँ। इस सारी पट्टी को हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, एक साइड से स्टार्ट करेंगे और इस साइड सब यूं ही टर्न करते जाएंगे। ये देखिए जी, कितनी प्यारी इसकी पाइपिंग लग गई है, और ये देखिए खुद ब खुद ही फोल्डिंग होगी। तो यहाँ पर अब हमने प्रेस लगानी है, अच्छे से प्रेस लगा के, और यहाँ पर हम एक कपड़ा रखेंगे, जैसे कि ये हमारे पास एक कपड़ा है, इसकी लेंथ देख लेंगे, इसकी लेंथ हम यहाँ तक कट करेंगे, 1 इंच ज़्यादा करेंगे कट। ये देखें,
एक इंच ऊपर से और एक इंच नीचे से। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है ऊपर से जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है, और इसको देन ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें, यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है, इसको हमें यहाँ बंद कर लेना है। यहाँ इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जो इस स्लिट पे पाइपिंग हो गई है, और बैक साइड पे मैंने ये कपड़ा भी लगा लिया है। ये थी जो मेरी फाइनल लुक गले की। यहाँ पर हम हेमिंग करेंगे, या आप सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तिरपाई करूँगी। और यहाँ पर हम बटन अटैच करेंगे, यहाँ पर बटन अटैच करेंगे, और बटन अटैच करके इसकी मैं फाइनल गले की लुक आपके साथ शेयर करती हूँ।